और यहाँ पे एक बात बता रहा अपना भाई महादेव जी, कैसे हो? हाँ जी, 2 मिनट में मैगी बनती है लेकिन 2 मिनट में दाढ़ी भी बनती है, बताएंगे आपको। 2 मिनट रुकिए, अभी आ रहे हैं। क्या करते हैं ना भाई, शेविंग करते समय ना छील देते हैं, बहुत खून निकलना शुरू हो जाता है। अब मेरे पूरे फेस पे देखो, कहीं भी तो खून निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा। अरे हाँ, प्रमोशन नहीं है, मैं सच में बता रहा, बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग खून निकाल देते हैं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई। जिलेट का ये फॉर्म ले लेना है चुपचाप, नाम भी नहीं बता रहा, जिलेट का फॉर्म ले लेना है। वो फॉर्म आता है पूरा दाढ़ी पे लगाने के लिए, वो फॉर्म क्या करता है, आपकी दाढ़ी को पूरा स्मूथ कर देगा। उसके बाद आपको ये ब्लेड लेना है, ये रेजर पूरा ऐसे ऐसे करके 2 मिनट लगेंगे दाढ़ी निकालने के लिए। बस एक बात याद रखना, ज़्यादा मत बढ़ने देना, ज़्यादा बढ़ेगी तो 2 से 4 मिनट हो सकते हैं। तो एकदम मस्त अभी आज फ्रेश लग रहा है यार, इतने दिन हो गए यार शेविंग नहीं करी। ऐसा लग रहा था ना कि नाक के बाल मुंह में घुस रहे हैं और मुंह दाढ़ी के बाल नाक में घुस रहे हैं, सब उलझ गए थे आपस में। सीन बहुत बड़ा है, नहाता हूँ उसके बाद बताता हूँ क्या हुआ आज। 12 बज रहे हैं, मैं रूम पे ही हूँ लेकिन पूरे रूम पे लाइट नहीं है। शाम के 6 बजे लाइट आएगी, लेकिन दर्शन का क्या टाइम है, कब जाना है कब नहीं जाना, 12 बजे मंदिर क्लोज हो जाता है, कब ओपन होगा मैं बताता हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, नहा के आता हूँ। ये खड़ी हमारी बुलेट, और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ फल फ्रूट खाने के लिए। मंदिर के दर्शन बंद हो जाते हैं 12 बजे और शाम को खुलेंगे 5 बजे। और आज तो मतलब ऐसा माहौल है ना कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि भैया आज कैमरा उठा ही मत अंकुश, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं किया कि मैं यार आप लोगों से बात किए बिना ना मन नहीं, दिन नहीं कटता, ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा यार। ये देखो, ये मेरे पीछे जो आप सड़क देख रहे हो, ये मेरे को ना हस्तनापुर की याद दिला रही है। हस्तनापुर मेरठ के आगे जो पड़ता है, बिल्कुल वैसी सड़क भाई, खाट डालो बैठो, गाय भी ऐसी बैठी है एकदम मस्त सड़कों पे, खाना नहीं खा के फल खाएंगे। और एक बात बताइए, संतरे आ गए क्या मार्केट में? एक संतरा खिला दो अंकल जी। एक बात बताइए, इतनी सी उम्र में ये उम्र आ गई है, नहीं खाया तो सुबह पेट साफ नहीं होता है, बताइए। ये सब ट्रैवलिंग, डेली राइड, ये सब साइड इफेक्ट है भाई, तो इसमें ना रेस्ट और गैप की जरूरत पड़ती है। वो अंकुश, एक अंकुश था यार, आधी किलो बिरयानी, 1 किलो बिरयानी, बाप रे बाप। जिंदगी में कुछ भी करोगे ना, उसका साइड इफेक्ट जरूर मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ये किसी पे काउंटिंग नहीं होती। अच्छे से अच्छा अमीर आदमी भी हमने देखा है भैया बीमार पड़ा है, शरीर है, मेंटेनेंस तो निकाले गई। कदौर हो गई भाई साहब, आज के दिन क्या हुआ, यहाँ पे जो ये पूरा एरिया है द्वारका का, यहाँ पे सरकार ने क्या किया, कुछ एरिया और ले लिया अपना, चलो भैया हमारे में काउंट हो जाओ। तो महीने दो महीने में एक चीज होती है यहाँ पे कि पूरा दिन ना लाइट नहीं रहती, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक मेंटेनेंस, पूरे जितने भी लोग हैं पूरे एरिया में वहाँ पे चले जाते हैं, हर एक के फोन में मैसेज कि शाम के 6 बजे तक लाइट नहीं रहेगी। 1-2 महीने में जो ये चीज होती है ना, ये आज के दिन हुई है। फोन चार्जिंग पे नहीं लगा पाया मैं, एडिटिंग भी नहीं कर पाऊंगा। शाम के बज रहे हैं 4:15 और हम लोग हो चुके हैं ऑन टाइम। ऑन टाइम कभी सुना है आपने मेरे मुंह से? कृष्ण जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं हम लोग। द्वारकाधीश, कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, देखते हैं अभी गेट पे जाके पता चलेगा कहाँ रखूं कहाँ नहीं रखूं। बाकी यहाँ से 2 चीजें, एक ओखा है और एक और बहुत ही बड़ी शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग। यहाँ से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक जगह है, वो 12 किलोमीटर है, ओखा पोर्ट जो है वो 30 किलोमीटर है। तो प्लान कुछ ऐसा हुआ है भैया कि ओखा पोर्ट और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हम जाएंगे कल। आज हम लोग करेंगे सबसे मेन भाई द्वारकाधीश। बस में से गिर मत जाना भैया, इतना मत झाको, गिर मत जाना। जय श्री कृष्ण का नाम ले लो, द्वारकाधीश टेम्पल राइट लेना है, जो है कृष्ण जी की नगरी है। ये पार्किंग तो यहाँ दिया हुआ है, दर्शन होगी ना 5 बजे होटल? नहीं नहीं, होटल तो ले रखा है ना भाई, जाने दीजिए जाने। हाँ मेरे को लगे कोई टोल टैक्स वाला है, वो तो होटल के लिए खड़े है भाई। यहाँ से लेफ्ट, ये टॉयलेट वगैरह सिस्टम दिए गए हैं, बहुत बड़ी पार्किंग है पीछे। द्वारकाधीश, अच्छा उतना दूर जाना है, दूर जाना है भाई। देखिए द्वारकाधीश के दर्शन कर लीजिए हमारे साथ, चे आगे देखो गिर जाओगे, शर्म और हया दोनों भूलनी हो, गर्दन में दर्द हो जाएगा बेटा तेरी गर्दन दुख जाएगी, शर्म और हया इन दोनों को छोड़ना पड़ता है भाई अगर यूट्यूबर बनना है। यहाँ किसी से अच्छे से पूछा जाए, दर्शन 5 बजे, गाड़ी कहाँ लगाई जाए? गाड़ी उधर लगा सकते हैं, 5 बजे खुलेगा, 5 बजे खुलेगा होटल रॉयल इन, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस, 440 रुपए में तो नहीं मिलेगा जिसमें हम रुके हुए हैं। सुदामा सेतु, बहुत बड़ा ब्रिज बनाया गया है यार, ये तो जाने की
जाना चाहिए। सुदामा सेतु, पैदल ब्रिज है भाइयों। ये है सुदामा सेतु का ब्रिज, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे आगे। हमने तो हेलमेट पहन लिया भाई, बेशरम हो के वीडियो निकाल रहा हुआ है। सिर्फ पैदल चलने, लकड़ी है क्या? लकड़ी है भाई, सपोर्ट दिया गया है इसको अच्छा से। सुदामा सेतु का जो ब्रिज है, पीछे देख सकते हैं आप कितना ऊंचा है। द्वारकाधीश, क्या जबरदस्त मैन्युफैक्चर किया है भाई इसका, है ना? जोरदार है ना? ये लकड़ी है? लकड़ी बताइए, और टिकी हुई है? नहीं नहीं, अटकी नहीं, टिम्बर की है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जंग नहीं खाती हूँ। मैंने सुना है नेपाल में एक ऐसा ब्रिज है जहाँ पे बाइक क्रॉसिंग होती है, और आर्मी वाले पकड़ कर उस बाइक को क्रॉस करवाते हैं। क्या जगह होगी यार वो। एक वीडियो में देखो, मेरे को एक बाबा जी मिले थे सोमनाथ में, तो द्वारका जाना वहाँ पे ये जरूर जाना, सुदामा, इसकी बात कर रहे थे वो। भाई बोल रहा पहले मुझसे मुलाकात हुई तो मैं जाऊंगा, नहीं ऐसा आर्मी वाले। हाँ हाँ यार, वो वाली बढ़िया लग रही है यार, सच में सेम बढ़िया लग रही है यार। फोटो उसमें खींच लेना, फोटो नहीं नहीं, उसमें बाइक वीडियो भी बना, फोटो उसमें खींच लेना। एक काम करते, टॉस करते, टॉस हेड आया आपको कौन सी में जाना है वो बोल दो भाई, उसमें जाता हूँ भाई, प्लीज यार, सॉरी यार, बुरा मत मानना, ये सही में थोड़ी बड़ी लग रही है ना, इसलिए बोला। इतना दूर से आया तुम्हारा भाई, हम सब साथ में हमारे साथ में भाई बच गए। बहुत बढ़िया, कैमरा मैं लगा दूं? कैमरा चालू है, सब रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, इसमें सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर है ना? हाँ, एक्टिवा जैसा। अरे वाह, ये पलटता नहीं है क्या? स्केट मार रहा है भाई, दू एक्सीलेटर, दू एक्सीलेटर, दू ये। अरे वाह, जियो मेरे शेर, ये है द्वारकाधीश गुजरात। बहुत वाइब्रेट हो रहा है, इसके बारे में कुछ बता दो यार अपने को, मतलब ये गाड़ी कैसे ली जाए, कितने की आती होगी? 2 लाख। 2 लाख तक आएगी, और एवरेज का दे रही होगी? 5 का एवरेज है, तब तो 100 रुपये। अच्छा, तभी हम कहें यहाँ तक आ गए, बस रोक दिए। गाड़ी जबरदस्त है यार, मतलब बिजनेस के लिए अच्छा है बहुत। बच्चे लोग ज्यादा शौकीन होते होंगे इसके, पर हम तो हर गाड़ियों के शौकीन है, इसलिए चाहे कार हो या बाइक हो, चलें चलते हैं। एक्टिवा का इंजन आता है। एक्टिवा का? इसमें सीसी बहुत ज्यादा आता है। सीसी कितना है? 300 सीसी है। तब तो रेती में 30-40 हो जाता है। ये चाबी लगाने के लिए करें स्टार्ट? ये ब्रेक पकड़ के स्टार्ट, और थोड़ा रेस्ट रखना। की थी वहीं जा रहे हैं, आवाज बहुत कर रहा है इसका इंजन। और यहाँ पे एक बात बता रहा है अपना भाई कि यहाँ पे जो है ना सुदामा जी का जो मीठा पानी है, पूरा पानी जो है भाई अब मीठा है, अब जाके देखते हैं जरा। और सुदामा जी कौन है पता है आपको? कृष्ण जी के दोस्त, जाम्बूवती तीर्थ हुआ है भाई। उत्तरी शक्ल देख रही मेरी पानी में आगे एक भाई। अच्छा, ये तीर्थ का पानी पिला रहे हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5 तीर्थ है। खुशावती तीर्थ, चंद्रभागा तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, रामेश्वरम में ऐसे तीर्थ कराते हैं। अच्छा, ये मीठा पानी है, कुछ बताइए इसके बारे में। पांचों पांडव के 5 कुंड है, पांचों में 5 नदी का जल है। पांचों पांडव के 5 कुंड है,
अच्छा पांचों में पांच नदी का जल है, गोमती, जम्बुवती, कुशावती, चंद्रभागा, ये लक्ष्मणा नदी। अच्छा पांचों नदी का जल है, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो ऐसा समझिए मतलब हमने पांच तीर्थ कर लिए। अच्छा हाँ भाई मीठा पानी है, तो ये भाई साहब हमें करा रहे हैं पांचों जगहों का तीर्थ करा रहे हैं। लक्ष्मणा तीर्थ का पानी पिया, फिर यहाँ का पानी पिया, अब यहाँ का पियेंगे। कैमरा कहीं कहीं जगह अलाउ नहीं रहता है जैसे रामेश्वरम में, तो बहुत बढ़िया दर्शन कराए होते मैंने आप लोगों को। वो नीचे से बोल रही है 1 रुपए डालो, पर्स नहीं लाया नहीं तो सच में डाला तो देखा होता कैसे पकड़ेगी। ओ डाला भाई किसी ने, अरे ऐसे नहीं मिलेगा, मिल गया। इस दुनिया में सूरज और चंद्रमा रहेंगे तब तक इस धरती पर कृष्ण जी रहेंगे, उसका अर्थ ये है। तो मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगा है वो जरूर देखे जब भी आप आएंगे। उधर तो पुलिस वाले भैया ने हमको इशारा करके बताया कि गाड़ी उधर लगाइए आप, भगवान बहुत जल्दी जल्दी दर्शन करवा रहा है। कहा बताया तुमका, कितने बढ़िया दर्शन हुए यार कसम से, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, जूते चप्पल वहाँ भारी रखो। अरे वाह महादेव जी कैसे हो, ओम नमः शिवाय। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इतने बढ़िया दर्शन हुए ना कसम से, ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं कही, किसी भी मेरे ब्लॉग में देख लेना धार्मिक जगह पे मैंने आज तक ये बात कहीं नहीं कही है। लेकिन जो मैं आज कहने जा रहा हूँ वो सुनना भाई। द्वारकाधीश मंदिर आप लोग एंट्री करते ही, मैं ही नहीं मेरे साथ काफ़ी सारे लोग जो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं ना, मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग, तो कृष्ण जी की इस नगरी में जब द्वारकाधीश के आप मंदिर में एंटर करोगे ना 15 मिनट के लिए आप साइड में खड़े हो जाओगे, सबको जाने दोगे। पता है क्यों? वो जो मंदिर का जो मैन्युफैक्चर हुआ है ना पूरा मंदिर, उसको देखने के लिए एक अलग ही लगता है भाई। और इतनी ऊंचाई पे है ना, बहुत हाइटेड है, बहुत ज़्यादा हाइटेड है, और उसको जो बनाया गया है बाप रे बाप क्या मैन्युफैक्चर है यार भाई। लिख के ले लेना 15 मिनट अगर आप नहीं खड़े हुए। गुजरात में ना एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब भाई पूरे गांव के बंदे भी है ना, ये पूरे गांव के भी, उनको भी पता है यूट्यूब और यूट्यूबर क्या होता है ना, मतलब ऐसा रिएक्ट नहीं करते जैसे बहुत जगहों पे हमको देखने को मिला, अरे बाप रे क्या कर रहा है ये, ऐसा नहीं होता है। अच्छा यूट्यूबर है, यूट्यूबर है वो, बल्कि और वीडियो में आके बोलते हैं और एकदम खुले रहते हैं। कई कई जगहों पर आपने देखा होगा मैंने कैमरा ऑन किया सबकी बोलती बंद, यहाँ पे ऐसा नहीं भाई, कैमरा ऑन किया था और मजाक मस्ती सब चालू रहता है। गुजरात में देखा है मैंने कि बंदे ना अपडेटेड है। किसी थाली मिल जाए शहर की तरफ थोड़ा जाता हूँ, एक राउंड लगाता हूँ और कल की प्लानिंग करते हैं। थैंक यू फॉर विजिट द्वारकाधीश। मैं कई बार देखता हूँ दिल्ली से बहुत निकलते हैं हरिद्वार ऋषिकेश साइड में, या यहाँ पे आते हैं लोग, यहाँ पे राइडर्स आते हैं, यहाँ पे भी आते हैं, बहुत देखते होंगे आप सड़क पे। देखता हूँ तो एक मिनट, अभी तो कन्याकुमारी कोलकाता पूरा हो गया, अकेला टाइम पास हो जाता है। अब आदत हो गई है क्योंकि वो वीडियो बनाते हैं आधी रात, उसमें एडिटिंग में लग जाती है, खाना खाए सो गए। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लेना भाई, अगर द्वारका नहीं आया ना कभी तो आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। द्वारका आगे आप लोगों को यहाँ के पवित्र दर्शन लेने चाहिए, चार धामों में से एक कहा जाता है। चार धाम यानी कि द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी। अभी और मिलेंगे जल्दी कल के ही व्लॉग में, क्योंकि कल के व्लॉग में मैं एक ऐसी जगह जाने वाला हूँ जो भाई 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, यानी कि मेरे पता है कितने दर्शन हो जाएंगे, 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे कल के बाद, और 3 धामों की यात्रा हो जाएगी भाई, और आप सब भी मेरे साथ हो उसमें। तो आज की वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते जल्दी कल के व्लॉग में। कल के व्लॉग में कैसे मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे कि हाथ रखेंगे और हटाएंगे, पता है क्यों? क्योंकि कल आने के बाद इतने ड्रामे हुए, रात को फिर लाइट भाग गई भाई, तो गया मैं। चलो ये बात कल के व्लॉग में करते हैं, बाय बाय।